हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में आपको आम के अचार बनाकर दिखाने वाले हैं। वैसे तो हर कोई बहुत ही टेस्टी अचार बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ज़रूर आम का अचार बनाएं, यह बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कच्चे आम लेंगे और उसका छिलका इस तरीके से उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा भी इसमें छिलके नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से इसका छिलका उतारना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, एक और हम आपको छिलकर दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे लगभग दोनों आम, यानी यहाँ पे हम आपको दो आम छिलकर दिखाए हैं, तो हम यहाँ पे लगभग हम 5 से 6 केजी आम लिए हैं। उसको सारे आम को हम इसी तरह छिलका उतार लिए हैं और इसका जो पल्प्स है यहाँ पे देखिए, एक चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए सारे पल्प्स छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं, जो आम के पल्प्स हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा कूटने वाला लेंगे, यहाँ देखिए। तो हम यहाँ पे 5 से 6 केजी आम लिए थे, उसे बारीक इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, और अब हम एक खल लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कल करके यहाँ पे देखिए इस तरीके से उसको कूट लेंगे उसमें। यहाँ पे इसी तरीके से जो आम के पल्प्स हैं उसे कूट लेनी है। यहाँ पे देखिए लगभग कूट चुके हैं ये, यानी इसका पूरा पेस्ट नहीं तैयार करना है, इसे दरदरा ही रहने देना है, इसीलिए हम इसके खल में लिए हैं। आप चाहेंगे तो सोच रहे होंगे हम इसे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उससे इसका पूरा पेस्ट बन जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे खल का इस्तेमाल किए हैं कि इस थोड़ा दरदरा रहे, इसमें छोटे छोटे जो आम के पल्प्स हैं वो भी रहें। और यहाँ पर देखिए सारे हम पल्प्स निकाल के हम आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए पेस्ट नहीं है और ना ही पल्प्स, ऐसे ही खड़े खड़े हैं, यानी थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ा सा दरदरा सा है। तो यहाँ पे हम सारे पल्प्स को इसी तरीके से हम खल में कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसी तरीके से हम सारे पल्प्स जो हैं कूट लिए हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको पहले भी बताएं कि हम यहाँ पे लगभग 5 से 6 केजी आम लिए हैं, कच्चे आम, जिसका हम छिलका उतार कर इसका इस तरीके से खल में कूट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस करके। अब हम आपको मसाले दिखाते हैं। यहाँ पे आधी कटोरी लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 छोटी चम्मच कलौंजी, यहाँ पे 5 से 6 छोटी चम्मच मेथी दाने, इसी तरह 5 से 6 छोटी चम्मच अजवाइन, यहाँ पे हम पीली वाली सरसों लिए हैं लगभग 1 कटोरी, नमक आधे कटोरी, यहाँ पे जीरा लगभग 4 चम्मच, सौंफ 5 से 6 छोटी चम्मच,
हल्दी पाउडर 4 छोटी चम्मच, यहाँ पे लहसुन भी लिए हैं 15 से 20 कलियाँ, 1 छोटी चम्मच हींग, यहाँ पे हम तेल लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। तो यहाँ पे हम आपको सारे मसाले दिखा दिए हैं जितने भी हम मसाले अचार में ऐड करने वाले हैं। तो अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें पहले मेथी दाने रखेंगे और इसे हल्का इसे थोड़ा सा चटकने देंगे, यहाँ पे देखिए, और इसी तरीके से हम सारे मसाले, यहाँ पे हम सौंफ इसे भी थोड़ा सा कुक होने देंगे। सबको थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट के लिए हमें इसे कढ़ाई में भून लेना है इसी तरीके से, और इसमें कलौंजी, अजवाइन, इन तीनों मसालों को मेके साथ करके इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए इसे भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे हम पीली वाली सरसों लिए हैं, तो इसे भी हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से हम चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे। थोड़ा सा मसाले को हमें लगभग मान लीजिए गरम करने हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही, तो इसे हम इस तरीके से इसे भी गरम कर दें। और यहाँ पे लहसुन इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से इसे गैस का फ्लेम लो करके इसे हमें कुक कर लेनी है, ताकि लहसुन जो है वो कच्चा नहीं रहे, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम गैस का फ्लेम लो करने के बाद कुक कर लिए। अब एक एक मसाले जो है हम मिक्सी जार में रख कर और इसका पेस्ट तैयार करेंगे, लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसाले को हम पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सारे मसाले को हम मिक्सी जार में रख दिए और इसका पाउडर जो है तैयार कर लिए हैं। तो अब हम जिसमें हमें अचार रखनी है उसी में हम मसाले को रखते जाएंगे, बाकी के जो सरसों मसाले हैं, जो जितने भी हम मसाले गरम किए थे उस सारे को हम एक एक करके पाउडर बना लिए हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे हम लहसुन का है इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, और तेल को भी हमें बहुत अच्छी तरह से हीट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लगभग 1/2 लीटर तेल लिए हैं और उसे कढ़ाई में अच्छी तरह रखने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह हीट कर लेनी है। और ये जब बहुत अच्छी तरह से हीट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हींग और यहाँ पे 5 से 6 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी हम तेल में ऐड करेंगे गरम तेल में ही, और इसे मिक्स करेंगे ताकि जो हल्दी का जो कच्चापन है और हींग का कच्चापन है वो इसमें ही कुक हो जाए, बाद में अचार में आप डालें तो नहीं रहे कच्चापन इसका, इसलिए हम इसे तेल में ही मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से गरम तेल में। और अब चलिए हम अचार में जो हम आम का जो कुच्चा तैयार किए हैं उसमें हम सारे मसाले जिसका हम पाउडर तैयार किए हैं, लहसुन का पेस्ट जो तैयार किए हैं उसे डाल देंगे। और यहाँ पे 1/2 कटोरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो मिर्च की मात्रा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अचार में मिर्च ज़्यादा रहे तो ज़्यादा टेस्टी आती है। यहाँ पे नमक लगभग 1/2 कटोरी, तो यहाँ पे आप अचार की मात्रा भी देख लें। यहाँ पे 5 से 6 केजी हम आम लिए हैं, और यहाँ पे हल्दी वाले तेल जिसे हम कढ़ाई में गरम किए हुए हैं उसे डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देनी है। यहाँ पे देखिए हम इसे मिक्स कर दिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो अभी इसे सर्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तो इसे सर्व करने के लिए हमें पहले इसे 3 से 4 दिन के लिए तेज धूप में इसे सुखाना पड़ेगा, यानी फिर इसे रखना पड़ेगा धूप में। यहाँ पे देखिए 3 से 4 दिन के बाद ये अचार कितना टेस्टी लग रहे हैं, यहाँ पे देखिए
ये देखिए बहुत ये टेस्टी अचार लग रहे हैं। आप इसे चाहे तो अभी सर्व कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आप इसे स्टोर भी करके रख लें, ये बहुत दिनों तक आप इस अचार को रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से अचार ड्राई हो गई है, इसमें थोड़ा सा भी नमी नहीं है। तो आप जिस जार में रखें उस जार को अच्छी तरह से गर्म पानी से वाश कर लें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा भी पानी की मात्रा नहीं हो यानी नमी नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद उसमें आप इस अचार को रखें और आप इसे कई सालों तक आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत और जिससे जैसे ये समय बीतेगा उतने ही और ये लजीज बनते जाएंगे अचार। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।